जी अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो ये पार्ट टू है फिबोनाची स्ट्रेटजी का, आरएस स्ट्रेटजी का पार्ट टू हम बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट वन में मैंने बताया था कि 61.8 का जो लेवल है वहाँ पे अगर कोई ट्वीज़र टॉप बनता है, हैंगिंग मैन बनता है, शूटिंग स्टार बनता है या कोई भी रिवर्सल यहाँ पे बनता है, तो उसकी कन्फर्मेशन के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके ऊपर, और प्रीवियस कैंडल जो इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल होगी, जो इसके नीचे से ऊपर आई होगी, प्रीवियस कैंडल के नीचे शूटिंग स्टार से नीचे वाली कैंडल आके रुक जाए बॉडी के साथ, टेल के साथ नहीं, बॉडी के साथ रुक जाए, तो आपने सेल की एंट्री लेनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अब जो बिहेवियर्स होता है कैंडल्स का, उनको कहाँ पे जज किया जाता है? वहाँ उनको जज किया जाता है किसी प्राइस के हाई पे जाके, या जब आपको दिन के पिवट्स पॉइंट्स का पता होगा, रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री, ठीक है, या सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, या स्पोर्ट थ्री, स्पोर्ट टू, स्पोर्ट थ्री, स्पोर्ट टू पे जाके कोई इस तरह का रिवर्सल बनता है, तो उसके बिहेवियर को नोटिस करना होता है। एक तो ये आपने देखना, सेकेंडली आपने देखना होता है 61.8 का लेवल, यहाँ पे आके मार्केट का जो कैंडल्स का बिहेवियर होगा, जो कैंडल्स के एक एक्ट करती है मार्केट, तो इस एरिया में करती है। जब इस एरिया में एक्ट करे 61.8 के लेवल को, 50 को भी करे तो इसको नॉर्मल समझें, 38 को भी करे तो इसको नॉर्मल समझें, यहाँ पे जब बने 61.8, ये क्योंकि ये होता है फाइनल लेवल, इसके बाद अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो 100 को टच करती है, तो आपने क्या करना है कि 61.8 के लेवल पे इसको टच करके कोई शूटिंग स्टार, ट्विजर टॉप, कुछ भी बनता है तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से प्रीवियस कैंडल के नीचे मार्केट रुकी ज़रूर हो, जैसे ये ज़्यादा नीचे आके रुकी, फिर नेक्स्ट कैंडल गई इसके लो को टच करके फिर मार्केट नीचे की तरफ चली गई। अब ये डे का टाइम फ्रेम है, कोई भी टाइम फ्रेम आप लेंगे। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितना नीचे जा सकती है? तो मार्केट कितना नीचे जा सकती है इसका भी एक हमारे पास कंफर्मेशन है। ठीक है, हमने क्या करना है, यहां पे चेक करेंगे कि मार्केट कितना नीचे गई ऊपर से, 2071889, तो ये हो गया जी 180 पॉइंट मार्केट ने फर्स्ट टाइम नीचे आई थी। अब आपके पास अगर बड़ा कैपिटल है तो मनी मैनेजमेंट के साथ आप यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद 180 पॉइंट देखेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी यहाँ से। अब ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, ज़ाहिर इसकी मूव भी बड़ी होगी, इसी तरह के पैटर्न फिबोनाची के छोटे टाइम फ्रेम पे भी बनते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। अब हम 2000 में से 180 निकालेंगे, 100 निकालेंगे तो 1900 बचेगा, 80 निकालेंगे तो 1820, ठीक है, 1820 यहाँ तक कंटिन्यू मार्केट आएगी। अब आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही आपकी मार्केट प्रॉफिट में जाती है तो स्टॉप लॉस आप चेंज करते रहें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे चेंज करना है, इस चीज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि जब कभी भी मार्केट रिवर्स हो तो आपको
आपका SL जो है वो प्रॉफिट के अंदर हिट होना चाहिए। अच्छा, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको जो पता है कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, अब ये जो आपको मैंने ये कहा है कि ये 180 और ये 180, इसने कहीं और ज़्यादा जाना है, ये इलियट वेव्स का चक्कर होता है, उसका नॉलेज जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इलियट वेव ज़रूर सीख लें, क्योंकि जो नेचुरल स्टॉक्स हैं, सपोज गोल्ड है, सिल्वर है, उसके अलावा क्रूड ऑयल वगैरह है, करेंसीज हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो ये मोस्टली जो है इलियट वेव्स के हिसाब से चलती हैं, ठीक है ना। तो अब बात की समझ आई, यहाँ पे स्टॉप लॉस और कितनी बड़ी मूवमेंट, बहुत बड़ी, ठीक है। जब एक माइंड में बात रखे, बड़ी यूनिक बात बताने वाला हूँ, ये बातें पेड बातें हैं। अच्छा, यहाँ से 180, अब नेक्स्ट 180 के करीब एग्जैक्ट जब ये यहाँ से मार्केट वापस जाएगी, ये 180 इसने 180 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी, अब नेक्स्ट जब जाएगी तो कंफर्म 100, जब इस लेवल को नीचे क्रॉस करेगी तो यहाँ से 180 बनाएगी ही बनाएगी, वहाँ तक जाएगी ही जाएगी, ये कंफर्म होता है, ये वेव्स का चक्कर होता है, ठीक है ना। अच्छा ट्रेडर्स, अभी बड़ी एक बात जो मेरे माइंड में बात करते हुए आ गई, बता दूं ताकि आप लोग कभी गलती ना करें। अगर मार्केट यहां से वापस जाती है 50 से, जाने दो, आपने ट्रेड ही नहीं लेनी, यहां पे कोई भी पैटर्न बने, 38 पे कोई भी बने, छोड़ दो, हमने ट्रेड नहीं लेनी। जो ट्रेड आपने इस स्ट्रेटजी के तहत लेनी है वो 61.8 के लेवल पे देख के लेनी है, 61.8 के लेवल तक जब मार्केट आए तो 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस नहीं जाती। अगर उसके बाद ये कोई कंफर्म पैटर्न बना लेती है प्रीवियस कैंडल, इसको फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दें, है ही नहीं, इसके पीछे ये ग्रीन वाली कैंडल है, रेड तो वैसे इसके अंदर बॉडी के खड़ी है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो इसके पीछे वाली कैंडल होगी, जब इस कैंडल के बाद जो भी रिवर्सल बनेगा उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आके रुक जाती है, तो फिर आपने ये नोटिस करना है कि अगर ये 5 पॉइंट आई है तो 5 तो ही जाएगी नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी एक प्राइस एक्शन की एक किस्म है, यानी एक स्ट्रेटजी है जिससे आप बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर 38 से जाए, यहाँ से देखो, यहाँ से 38 से गई फिर वापस चली गई, यहाँ तक आई ना तो 38 तक गई, या इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, देखा यहाँ तक गई, नहीं गई वापस, लोगों ने ट्रेड लगाए होंगे, नुकसान उठाया होगा, देखने में तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल बना है, ठीक है। अच्छा, जब कभी 61.8 के लेवल के ऊपर आके मार्केट रुकती है और वहां पे कोई पैटर्न बनाती है, तो यहां पे बना हुआ जो पैटर्न है, ये समझे एक मैदान जंग है, जब कोई रिएक्शन आप मैदान जंग में लोगों के सामने करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी। अगर यही टेल वाली कैंडल यहां पे चार्ट के अंदर बन जाती है रिवर्सल, इस तरह का शूटिंग स्टार्ट है, चार्ट के अंदर बनता है चलते हुए, तो उसकी वैल्यू नहीं है। आप समझें कि आप किसी जंगल के अंदर खड़े होकर रिएक्शन दिखा रहे हैं, डमी टाइप, जैसे डेमो होता है, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल रिएक्शन 61.8 पे होता है। यहाँ पे जो कैंडल्स बनती हैं ना, जो पैटर्न्स बनते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, उनका बिहेवियर देखने वाला होता है। या फिर जब मार्केट नीचे आती है, कोई लो लगाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे चल के जो यहाँ पे पैटर्न बनते हैं तो उसकी फिर वैल्यू होती है, ठीक है ना ट्रेडर्स। अब यहाँ पे आपको अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनके पास यूनिक नॉलेज है, तो वो इस रिवर्स होने को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि सर ये इसने तो ऊपर जाना था, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वेव बना चुकी थी, अब 61.8
8 के लेवल पे एक डिसीजन होना था जो हुआ, एक शूटिंग स्टार बना और मार्केट नीचे की तरफ, जितनी फर्स्ट वेव थी इतनी मार्केट नीचे आ गई। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये लेसन काफ़ी बड़ा हो गया, तो आगे चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।